नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां एक और सामाजिक कार्यकर्ता और पंचायतवासी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखे हैं, वहीं सरपंच सचिव भ्रष्टाचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रीवा जिले के गंगेव जनपद अंतर्गत सेदहा पंचायत से सामने आया है, जहां 3 शांतिधाम निर्माण, खेल मैदान निर्माण और सरकारी राशन की दुकान निर्माण को लेकर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रीवा की टीम के द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2021 को मौके पर उपस्थित होकर जांच की गई। जांच के दौरान मुख्य जांच अधिकारी सहायक यंत्री सिरमौर केपी मिश्रा और उपयंत्री भोला पटेल उपस्थित रहे। मौके पर सूचना देने के उपरांत भी न तो सरपंच पवन पटेल और न ही सचिव और रोजगार सहायक दिलीप कुमार गुप्ता उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत सेदहा से शिकायत पक्ष से भूतपूर्व सरपंच राजमणि सिंह, अधिवक्ता अरुण सिंह, ग्रामवासी पुष्पराज सिंह, राजबली सिंह, दीपू सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी उपस्थित रहे। ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार की स्थिति आप सबको पता है। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो 23,922 ग्राम पंचायतें हैं, और किसी भी ग्राम पंचायत में जाएं तो जो पंचायत निधियों से, चाहे वह पंच परमेश्वर हो, 14वां वित्त आयोग हो, 15वां वित्त आयोग हो, मनरेगा का फंड हो, सांसद विधायक निधि से दी जाने वाली राशियां हो पंचायती विकास कार्य के लिए, अथवा सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं पंचायत स्तर पर, उनका कार्य बेहद निराशाजनक है। कह सकते हैं कि हर ग्राम पंचायत में ही आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। जो मैं अनुभव कर रहा हूं, जितनी भी अभी तक कार्यवाहियाँ करवाया हूं, हम इसमें सभी ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार पा रहे हैं। हाँ, उनका स्तर कम से ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम है तो किसी में मध्यम है तो किसी में बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी हाल ही में जैसे कराधान घोटाला, एलईडी लाइट घोटाला, रीवा के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो भी जाहिर हुआ है, जिसमें सूचना का अधिकार के माध्यम से जानकारी सब निकाली गई। फिर पंचायतों में एक व्यापक स्तर पर घोटाले की जाँच के लिए संबंधित जिला प्रशासन, CEO, जिला पंचायत, जिला कलेक्टर को पत्राचार किए गए हैं। और अभी हाल ही में हम बताएं आपको कि 25 फरवरी 2021 को ग्राम पंचायत सेदहा, जनपद पंचायत गंगेव में एक 2 सदस्यीय टीम SDO KP मिश्रा और उपयंत्री भोला पटेल की आई थी, जो अभी कल ही जांच की है। और शांत धाम यानी कि जो मरघट होता है, जहां पर हम अपने परिजनों को या गांव वालों को मृतक होने के बाद दफनाने जलाने के लिए ले जाते हैं, उसमें व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार देखने को मिला है। आपको ताज्जुब होगा कि शांति धाम और मरघट जैसी चीज़ों में भी पंचायतें और वहाँ के जो दलाल हैं, पंचायत के सरपंच हैं, सरपंचों के जो दलाल हैं, वह किसी भी प्रकार से कोताही नहीं बरत रहे हैं भ्रष्टाचार करने के लिए। वहाँ भी मतलब हर जगह पर कम से कम कुछ चीज़ों तो छोड़ी जा सकती है मानवीयता के आधार पर। तो हमने ये देखा कि लगभग 15 लाख के आसपास बघविल नामक जंगली जगह पर एक शांति धाम बना था, वहाँ सिर्फ जंगल की खखरी, इसे पत्थर कहते हैं, उसको उठा करके वहाँ पे गांज दिया गया है, लगा दिया गया है, और आज तक वहाँ कोई ना कोई रास्ता है, न कोई सड़क है, किसी भी प्रकार से एक भी व्यक्ति का वहाँ दफनाने का कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ कोई जा ही नहीं सकता है, आप समझ सकते हैं। तो इसकी उपयोगिता शून्य है और उसमें व्यापक भ्रष्टाचार है। न कहीं शेड था, न कहीं चबूतरा था, न कहीं गेट था। फिर जिरौही में 2 शांति धाम बनाए गए थे 2.5 लाख रुपए की, उनकी भी जांच हुई, वहां भी कहीं कुछ देखने को नहीं मिला, सिर्फ 2 टूटे चबूतरे 10x10 के दिखे हैं, जो इंजीनियर्स और SDO ने जाँच की हुई ग्रामीण जनों की उपस्थिति में। एक और बात बता दें कि वहीं के गणमान्य नागरिक हैं भूतपूर्व सरपंच श्री राजमन सिंह, उन्होंने बताया कि बघविल में उन्होंने रिकॉर्ड दिखाया, अपना पूरी तरह से आदेश दिखाया कोर्ट का, जिसमें बघमिल में उनकी ज़मीन पर ही शांति धाम बना दिया गया था। पहली बात, वो शांति धाम है ही नहीं, जो बनाया तो इस तरह से था कि मतलब उनकी ज़मीन पर ही बना दिया गया, उन्होंने उसकी आपत्ति की हुई। खेल का मैदान स्कूल के पास में होना चाहिए, सिद्धा स्कूल के पास में, तो किसी खेत में दिखा दिया गया, यद्यपि वहाँ कोई काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पैसा खाने के चक्कर में इस तरह से दिखा दिया गया। और अन्य इस प्रकार से, तो मतलब कुछ बिंदुओं की ही कल जाँच हो पाई है जो इस तरह से थे। तो ये सामने आया कि लगभग 20 लाख के आसपास का भ्रष्टाचार मात्र शांति धाम में ही देखने को मिला है। अब इसमें हम सब जो भी वहाँ पर उपस्थित थे लोग, इंजीनियर्स और जो SDO आए थे, उनसे इसमें कड़ी से कड़ी कार्यवाही की हम मांग किए हैं। और ये जो सरपंच के स्थान पर उसकी दलाली करने वाले लोग हर पंचायतों में हैं, यह बहुत ही एक खेदजनक है, और इसके विषय में हम कार्यवाही की भी मांग।